नहीं, उनको 3 सवा 3 महीने में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं, उनको उन्होंने गिनाया है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर पूरा घटनाक्रम हम देखें तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था और इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो ये वास्तविकता है, सच्चाई है। क्योंकि समय अवधि बहुत कम रह गई है और ऐसे में आयोग ने अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्यों में जो उपचुनाव होने थे उनको टाला है कोविड के कारण, और इसलिए अभी जो परिस्थितियां हैं अभी सामान्य नहीं हैं, असामान्य परिस्थितियां हैं, और ऐसे में उनको जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया है। सर, आपको नहीं लगता क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, जितनी जल्दी 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 सीट की तब्दीली होना, तो चुनाव सफल है, इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है? देखिए, ये कभी कई बार अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं, पार्टी नहीं चाहती है, व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियां और अपरिहार्य परिस्थितियां विवश करती हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है, कौन होंगे मुख्यमंत्री, जिस तरह से भी चल रहा है, क्या आने वाले, अभी किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, नेता का चुनाव विधानमंडल दल की बैठक में तय होना है और शाम को 3 बजे विधायकों को बुलाया गया है, उसके पश्चात बैठक होगी और मुझे लगता है कि शाम तक ये निर्णय हो जाएगा कि कौन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेतृत्व करेगा, कौन सरकार का नेतृत्व करेगा। ये शाम विधायकों की बैठक में सब निर्णय हो जाएगा। हाईकमान अगर दोबारा से आपको जिम्मेदारी सौंपे तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, अभी ये सवाल काल्पनिक है क्योंकि हाई कमांड को ये काम नहीं करना है, विधायकों को इस पर अपना मत करना है और विधायकों को इस पर निर्णय लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।